एक ने मुझे पंजाब में पूछा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्लाईवुड के भी दीमक के बारे में जब मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा प्लाईवुड की कंपनीज है, तो आलोक सर प्लाईवुड की कंपनीज के लिए भी ये दीमक, ये तो ग्रेन्यूल्स है जो अपनी ग्रेनुलर रेड लेबल की चाय आती है उस तरह से ये ग्रेन्यूल्स है, ये तो प्लाईवुड में छिड़काव नहीं हो सकता, बट इसका टेक्निकल दिया जा सकता है। अगर आपको मार्केट में ऑर्गेनिकली ट्रीटेड प्लाईवुड अगर चाहिए तो इसके बाद हरेक को, हर कंपनी को अपने पास ही आना पड़ेगा। सर कंपोजिशन जब हम कहते हैं वही होगा, हर प्रोडक्ट में जहां पर भी है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, कोई यहां पर ब्लफ नहीं हो रहा है, हर प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल की मिलावट नहीं है, इससे किसी की जान ली नहीं जा सकती है ना तो अपनी जान दी जा सकती है, आप सुसाइड नहीं कर सकते इससे, आप किसी को पिलाकर मार नहीं सकते इससे। इसकी मोड ऑफ एक्शन आपको डेफिनेटली सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जब भी जमीन आपको बुवाई के लिए या रोपाई के लिए तैयार करनी है, तैयार होने के बाद इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जब भी आपका क्रॉप आएगा, शेंगदाना, मूंगफली उसी में लगती है, आलू लगता है, प्याज लगता है, वेजिटेबल लगता है, कैप्सिकम लगती है, मिर्ची लगती है, क्योंकि रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसको समर क्रॉप बोला जा सकता है। जब भी ये तीन सीजन में कभी कोई खेती का बुआई करने जा रहा है, खेत में हल जोता है, वो आपका कस्टमर है, क्यों उसको बहुत चाहिए। जब भी इधर उधर जा रहा है आपका प्रॉस्पर कस्टमर है, तभी उसको ढूंढना है, क्योंकि उसके पास में आज फोरेट नहीं है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो खुद ढूंढते आएगा और आपको भूअस्त्र का कस्टमर उसे बनाना है। ये कैसे काम करेगा? जमीन में जब भी आपने डाला है, फर्स्ट इरिगेशन आएगा या पानी आएगा या बारिश आएगी, उसमें मिला जो आपके प्लांट ऑयल है वो जमीन की रूट जोन के पास में जाएंगे, जहां पर रूट्स ग्रो होते हैं वहां पर वो जाएंगे। कैरियोफाइलिन, नर्वल टॉक्सिन, जब भी वो रूट्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा, मुंह खोलेगा, वो टॉक्सिन उसके अंदर जाएगा, उसको नर्वल ब्रेकडाउन होगा और वो इमीडिएटली वहां पर इनएक्टिव होके मर जाएगा, क्योंकि वो इनहेल नहीं कर पाएगा, इस तरह से उसका एंड होता है। हम कुछ कर रहे हैं, मार रहे हैं क्या उसको? नहीं। मोड ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करो। किसी भी कीड़े को हम मारने का काम नहीं करते हैं, हम जैन हैं, हम किसी को नहीं मारते, वो अपने आप मर जाता है। जनरली डोजेस इसके बोलते हैं, ये सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता दूं, यूपी गवर्नमेंट के साथ में अपना काम हुआ है, यूपी गवर्नमेंट को हम ये शुगर केन और पैडी के लिए दे रहे हैं। हमारा काम अभी सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में हुआ है, आंध्रा एंड तेलंगाना दोनों गवर्नमेंट के साथ, अभी तो इलेक्शन के कारण लटक गया तेलंगाना, बट आंध्रा का हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो गया है, गवर्नमेंट सप्लाई इसको कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आप लोग जाओ कुछ करो तो यह प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, इतना रिकग्निशन हमें मिला है। ये जनरली इसका डोज छोटे पौधे का जो क्रॉप है उसके लिए आप एक एकड़ में 2 किलो डालना है। हमने पैकिंग भी इस तरह से रखी है कि पर एकड़ की पैकिंग है, आपको ये नहीं कि 50 ml में मिलेगा और 1 लीटर में भी मिलेगा, एक एकड़ का डोज हमने बनाया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बोतल हाथ में ली है पता चले कि एक बोतल एक एकड़ में आपको छिड़काव करनी है, एक एकड़ का डोज अपन बनवलेला है, याचा पण 2 किलो तो पैकिंग अपन बनवलंय, पण शुगर केन किंवा संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, डाळिंब, ये जो लीची, एप्पल, ये जो पौधे हैं, ये फल है, फलों के झाड़ है, उसके खेत है, आम, इन सब में ये 6 किलो पर प्रति एकड़ जाएगा, क्योंकि सबका कैनोपी अलग है, सबका कंट्रोल अलग है, रूट जोन अलग है, उसका डोज भी उतना जाएगा। पर एकड़ में कितने पौधे आते हैं उसका कितना ये है, उस हिसाब से उसे पर प्लांट का आपको रिकमेंडेशन करना है। बट जनरली जैसे ओनियन लगा दिया,
कांदा लसून बटाटा वांगी मिर्ची टोमॅटो हे जे छोटे कॉटन सोयाबीन ह्या सगळ्या पिकांकरता तुम्हाला 2 किलो प्रति एकर तुम्हाला वापरायचं आहे. या प्रोडक्ट बद्दल काही कन्फ्युजन कोणी प्रश्न विचारू शकतात? 6 किलो मुझे जरा जाए इतना जी जस्ट दिवस टिकता. हाँ चार्ट रहेगा सर, इसमें चार्ट दिया हुआ है.